तो गाइज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ S2Z2 चैनल पे। और आपको पता होगा कि मैं जब भी कुछ वीडियोस लेकर आता हूँ तो मेरे मुंह पे मेरी चेहरे पे मुस्कान रहती है, हंसी रहती है। लेकिन इस बार नहीं है पिछले बार की तरह, क्योंकि आपको पता होगा पिछले बार हमने एक और वीडियो बनाया था, ऐसे कुछ लोगों के ऊपर कुछ आफत आ गई थी तो हमने जाके इनको हेल्प किया है। और इस बार भी मतलब आसाम में ये सेकेंड बार है, ये साल में ये दो बार सेकेंड बार है जो बाढ़ आई हुई है वापस, और लोगों को काफ़ी सारे नुकसान हो गए हैं यार। कोई किसी का खेती, किसी का घर बाड़ी कुछ भी बची हुई नहीं है, सारे मतलब मिट्टी में मिल गई है। तो हमने सोचा क्यों ना इनको जाके थोड़ा हेल्प किया जाए। और आपको पता है कि हम हेल्प अकेला नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी एक ग्रुप है, ये क्या करते हैं हम चंदा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके जाके इनको हेल्प करते हैं। ओके, तो इसके लिए मेरी फेस पे मुस्कान नहीं है मेरे साथ, और मेरी वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि आप भी हेल्प कीजिएगा। और पिछले बार भी हमने वीडियो बनाया था और इसकी वीडियो देख के लोग जुड़े हैं हमसे और उन्होंने भी हेल्प किया। जो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ख़त्म करके तुरंत आप भी निकल जाइएगा और किसी ना किसी का हेल्प कर दीजिएगा। कपड़ा नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक बार हमारी वीडियो पूरा पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। Gracias.
करना तुम लोग आपने बहुत सारा अच्छा বস্তা তিনটা আর আমার তো তিন সাইড হতে পাইছো ইনশাল্লাহ এস টু জে টু চ্যানেলে গাঁৱৰ পৰা কিছুমান টকা সংগ্ৰহ কৰি বানাক্ৰান্ত লোকৰ কাৰণে সাহায্য বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। আহি দেখিলো তেহেঁতৰ অৱস্থা বৰ শোচনীয় আৰু শোচনীক দেখি পেলাই আমালোকে সাহায্য বিতৰণ কৰি আৰু তেহেঁতক দি এতিয়া উভতি যোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। এইটো গৈয়ে আছো কিন্তু দেখিলোঁ যে ইয়াৰ মানুহকেইজন বহুত অসুবিধাত পৰি আছে আৰু তেহেঁতৰ অৱস্থা বৰ বেয়া। দেখিলোঁ যে বহুত কষ্টত ভুগি আছে, যিবিলাক ফ্লাড এফেক্টেড এৰিয়াত যিবিলাক মানুহে শিবিৰত বহি বহি আছে সিহঁতক দেখি বহুত দুখ লাগিছে। আৰু মোৰ এটা মোৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ, যিবিলাক ইউটিউব চেনেল আছে বা কিছু সামৰ্থ্যমান ব্যক্তিয়ে যদি আহি পেলাই কিবা এটা সাহায্য দিব পাৰে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ।